बिल्कुल सही पहचाना, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। प्रयागराज से मात्र 50 किलोमीटर दूर ये कुंडा है और ये उसके खानदानी राजा राजा भैया, जिनके बंगले में आज भी गाड़ियां घोड़े से खींच कर लाई जाती हैं। कोई लाउड स्पीकर नहीं बजता। तर्क यह है कि 100 एकड़ में लगे बाग बगीचे, हवेली की शोभा में रखे गए शुतुरमुर्ग, राजा भैया के बेहद प्यारे विलायती कुत्तों को गाड़ियों की बेरुखी आवाज से तकलीफ होती है। पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, जो राजा भैया कदापि नहीं चाहते। लिहाजा बेती कोठी राजा भैया के आदेश से पिछले 25 सालों से साइलेंस जोन है। ये तो अभी चुनाव है कि समर्थक कई बार अपने राजा भैया का जयकारा लगा लेते हैं, नहीं तो किसकी मजाल की जोर से बोल भी दे। सबूत देखिए, हवेली के अंदर 100 से ज्यादा समर्थक हैं, सामने राजा भैया हैं, लेकिन फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस। यही राजा भैया की ताकत है, जिसे वो जनता का प्यार मानते हैं। खैर, आज राजा भैया खुद के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उस बेती कोठी को देख लीजिए, क्योंकि यहां कैमरा भी बमुश्किल जा पाता है। बेती कोठी यानी राजा भैया की खानदानी हवेली, जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। और हां, इस हवेली से कहीं ज्यादा इसके पीछे मौजूद 600 एकड़ के उस बेती तालाब की चर्चा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा भैया इसमें मगरमच्छ पालते हैं। कहते तो ये भी हैं कि राजा भैया अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को अपने पालतू मगरमच्छ का निवाला बना देते हैं। और ये कहने सुनने की बात कोई आज कल में शुरू नहीं हुई, बल्कि कोंडा के राजाओं की ऐसी कहानियां खानदानी रिवाज में शुमार है। कहने का मतलब ये कि राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह, उनके पिता राजा बजरंग बहादुर सिंह, सबकी हनक के साथ ऐसी ही कहानियां जुड़ी हैं। कुल मिलाकर कोंडा के इस कहानी में इतना सस्पेंस और थ्रिल है कि बम्बैया फिल्मकार भी इसके लोभ से नहीं बच पाए। 1988 में सुपरहिट फिल्म गंगा जमुना सरस्वती की पटकथा में कोंडा की हवेली, उसके घड़ियाली तालाब को पर्दे पर लाया गया। खैर, फिल्म आई और गई, कोंडा वही का वही है। उस राजा भैया के हाथ में जो 5 बार से यहां लगातार विधायक है, वो भी निर्दलीय, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, जिसने लोकसभा की 2 सीटों कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार और प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप। राजा भैया अपने इन दोनों उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने निकलने वाले हैं। निकलने से पहले रणनीति बना रहे हैं। सफेद पायजामा कुर्ता, आंख पर काला चश्मा। निकलने से पहले बेती कोठी का रिवाज है खानदानी हनुमान मंदिर में पूजा, परिक्रमा, और फिर बिना पलटे मंदिर से निकलना। रिवाज पूरा कर राजा भैया निकलते हैं। बाहर गाड़ियों का काफिला है, समर्थकों की फौज। राजा भैया चल पड़ते हैं। बीच रास्ते में समर्थकों का दूसरा हुजूम आ जाता है। जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के बीच राजा भैया कार का दरवाजा खोलते हैं, समर्थकों का अभिवादन करते हैं। फिर आगे काफिला कौशाम्बी के एक गांव में पहुंचता है। तैयारी पूरी है, कई घुड़सवार राजा भैया की कार को रिसीव करते हैं। दरवाजा खुलता है, फिर रौला ऐसा कि पैर पर गिरने के लिए भगदड़ जैसी हालत हो जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया यहां पर अपने प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार के लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। और मंच में आप देख सकते हैं कि राजा भैया का इस समय स्वागत किया जा रहा है। राजा भैया का स्वागत यहां पर जो घोड़े से बैठे हुए लोग हैं उन्होंने किया है। इससे इस बात का वो समझा जा सकता है कि राजा भैया को घुड़सवारी का शौक है और यही उनका जो शौक है उसका वजह बना है कि घोड़ा सवार लोगों ने यहाँ पर राजा भैया यानी कि अपने नेता का स्वागत किया है। खैर, समर्थन से ओत प्रोत राजा भैया मंच तक पहुंचते हैं। यहां इंतजाम पूरा है, गाजा बाजा फूल माला सब कुछ।
जनतंत्र क्या होता है राजा भैया की सभा में पता चलता है। लोग मालाएं लेकर कतार में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्टेज पर बैठे राजा भैया विनम्रता की मूर्ति बने हैं। एक एक कर माला गले में डाली जा रही है, मुस्कुराते रहते हैं। समर्थकों की आंखों में उनकी एक झलक की ललक देखते बनती है। पता नहीं ये प्यार है या डर, लेकिन जो है वो सामने है। मंच पर अब राजा भैया की बारी है। एक लंबी जीवन यात्रा 25 वर्षों से, और हम ये सोच करके कभी कभी बड़े भावुक क्षण होते हैं। 93 में जब सबसे अधिक वोटों से आपने जिताया, तो ये जीत अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर के आई कि इस प्रेम को, इस आशीर्वाद को कैसे संजो करके, कैसे सहेज करके रख सकेंगे। आपके बीच में मेहनत की और एक वादा किया कि आपके सुख दुख में उपस्थित रहेंगे। राजा भैया के भाषण की शुरुआत हुई थी, फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़े उन्होंने खुद ही बताना शुरू किया कि क्यों उनका कुंडा इतना बदनाम है। संविधान ने आपको, हमको शब्द दिया है जन प्रतिनिधि, जनता का नुमाइंदा। आप ये भी देखते होंगे कि बहुत से सांसद, बहुत से विधायक भी वो निर्वाचित होकर के गायब हो जाते हैं कि सांसद जी तो जब से गए तब से आए नहीं, जब से जीते तब से कभी मुंह नहीं दिखाया, कभी इस गांव में नहीं आए। ये आम शिकायत और यही सच्चाई भी है। एक लड़का वहां नौजवान था, प्रभात त्रिपाठी, उसने पूछ लिया कि सांसद जी कहां थे आप, अभी तक 5 साल बाद आए। उसको बुरी तरह मारा, गांव वाले दौड़े, गाड़ियों के पीछे टूटे और भागना पड़ा। अंत में हमको घटना की पता चली तो भुक्तभोगी परिवार के यहां भी हम लोग गए थे। हम कहे अच्छा भाई घटना कुंडा में नहीं, फिर नहीं तो कुंडा हो तो बदनाम करे रहा थे सब जने। और हुआ तो दुरी 3 गाड़ी के शीशा टूटा, यहां पता नहीं कहा हो जाता। राजा भैया लोगों को आगे बताते हैं कि कैसे उन्होंने कुंडा के नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजवाया, और अब जनता की बारी है कि वो रिटर्न गिफ्ट दे। जितने लोग बाहर दिल्ली, बंबई, गुजरात, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, जहां भी जाते होंगे, कुंडा के नाम बढ़ाए नहीं, घटाए नहीं, नहीं जब ये ले तो पूरे देश में कुंडा का नाम इज्जत से ले। गलत कहा तो बताओ, कोई ऐसा नहीं है। चाहे जहां चले जाइए रामसन जी, चाहे जहां चले जाइए, इज्जत के साथ कुंडा का नाम लेते हैं। और इज्जत में 4 चांद लग गए, आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी लोकसभा दो दो सीट जीत करके निकलेंगे। साल 1993 से लगातार बतौर आजाद उम्मीदवार विधायकी का अखाड़ा जीतने वाले राजा भैया की साख इस बार दांव पर है, इसलिए प्रतापगढ़ के रॉबिन हुड तपती दोपहरी में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मानिकपुर में जन संपर्क करने के बाद राजा भैया भद्री में पहुंच गए, वो इलाका जहां के राजा हैं राजा भैया। मौका देखकर हमने उनसे सवाल किया कि अब की बार प्रतापगढ़ का रण कितना कठिन है। जिस तरीके से आप सभाओं में जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी तो प्रत्याशी, राजा भैया भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा गत 25-26 वर्ष से जहाँ विधानसभा में अपनी अपनी जिम्मेदारी हम लोगों ने पूरी की है, वहीं जनता के बीच में रह के उनके सुख दुख में भागीदार रहे हैं। सब एक परिवार की तरह से रहते हैं और इसलिए सबकी मोहब्बत, सबका प्रेम मिलता है। राजा भैया अपनी पार्टी का झंडा लेकर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं किया है। आप गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे, कहा जा रहा है कि कई लोगों से बातचीत हुई लेकिन बातचीत आगे बढ़ नहीं पाई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, हर दल का किसी न किसी पार्टी के साथ, किसी न किसी दल के साथ गठबंधन है। जनता की अदालत में अकेले आने का साहस ये कोई दल दिखा नहीं सका। प्रस्ताव हमारे पास भी थे लेकिन हमको जनता की ताकत और जनता के आशीर्वाद पे भरोसा था। हम किसी पार्टी की बैसाखी लेकर के जनता के बीच में नहीं जाना चाहते थे, हम जनता के भरोसे जनता की अदालत में हैं। हमसे बातचीत के बाद राजा भैया वहां पहुंच गए जहां रैली थी। मंच पर नारों और जयकारों से उनका जोरदार स्वागत हुआ। ये वही भद्री है जहां के राजकुमार हैं, जहां के राजा हैं। राजा भैया मंच पे इस समय मौजूद हैं, अपने लोगों के बीच मौजूद हैं। जो इस समय कौशाम्बी के प्रत्याशी हैं जनसत्ता दल के, वो फिलहाल इस समय भाषण दे रहे हैं। चुनाव चिन्ह को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी। कुंडा के नाम के लिए थोड़ी इज्जत करते हैं, एक पहचान बनी है कुंडा की, एक पहचान बनाया है प्रतापगढ़ की इज्जत के साथ।
इस पहचान में आप जान जान लगाना आपका काम है। भादरी में वोट की अपील करने के बाद दोपहर 3 बजे रॉबिनहुड राजा भैया अवतरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक कार्यकर्ता के घर दोपहर का खाना खाया। जिस तरीके से आप लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 72,000 की बात की है, भारतीय जनता पार्टी 2,000 रुपए महीना दे रही है, जनसत्ता दल अगर आती है तो किस तरीके से आपकी तरफ से? जनसत्ता दल के जनप्रतिनिधि हर सुख दुख में साथ देंगे, साथ खड़े रहेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। ये हमारी प्राथमिकता है कि जन सुलभ जनप्रतिनिधि, और यही टैगलाइन। राजा भैया के उम्मीदवार उतारने से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की लड़ाई बेहद रोचक हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों इलाकों को राजा भैया का किला कहा जाता है। यही वजह है कि राजा भैया अपने अंदाज में दावा कर रही हैं कि उनकी जीत कोई रोक नहीं सकता। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की जो टक्कर है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुकाबला यहाँ पे त्रिकोणीय हो रहा है। कौशाम्बी में भी बहुत अच्छा है और प्रतापगढ़ में बहुत अच्छा है, तो दोनों सीटें हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। सत्ता किसी की भी रही हो, यूपी की सियासत में सिक्का राजा भैया का ही चलता है। राजनीति में राजा भैया का रुतबा ऐसा है कि सरकार एसपी की हो या बीजेपी की, उनकी आवभगत एक सी होती है। सवाल यह है कि राजा भैया चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे? अगर मान लीजिए नौबत आती है किसी को सपोर्ट करने की, तो चॉइस क्या रहेंगी राजा भैया की? हमको अपने मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं, हमारे मुद्दों से सहमत होते हुए अगर कोई पार्टी इस पे बात करती है तो देखा जाएगा। लंच के बाद राजा भैया आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें समर्थकों ने रोक लिया, फूल माला से उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में लगातार प्रचार के दौरान हम राजा भैया के साथ मौजूद हैं। राजा भैया जहां जहां जा रहे हैं समर्थक उनको हर जगह रोक ले रहे हैं, हर जगह उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जनसत्ता दल के लिए ये बहुत पॉजिटिव बात है कि पहली बार पार्टी का इस तरीके से शुरुआत हुई है, राजा भैया लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए राजा भैया अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। काफिला कुछ ही दूर आगे आया था कि समर्थकों के एक और जत्थे ने रोक लिया। राजा साहब का यहां भी ग्रैंड वेलकम हुआ। मिलने मिलाने और वोट बनाने के बाद राजा भैया फिर से कार में सवार हुए और सीधे मिरिया इलाके में पहुंच गए। राजा भैया मंच पर पहुंचे तो गीत और संगीत से उनका स्वागत हुआ। राजा भैया जैसे पानी तार चाहिए, शामली के इस इलाके में भी राजा भैया ने लोगों से वोट मांगा और इसी के साथ उनकी वोट यात्रा खत्म हो गई। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, ये 1993 से लेकर के अभी तक लगाया जाता है कि आप मतदाताओं को दबंगई से और धमका के वोट ले लेते हैं, लेकिन जो आपके आंकड़े हैं, आंकड़े बहुत अलग बात कहते हैं। देखिए विपक्ष क्या कहता है हमारी सेहत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुंडा क्षेत्र का हर मतदाता, हर समर्थक वो हमारे लिए माननीय है, आदरणीय है, सम्मान का पात्र है। और निजी विवाद हो, सार्वजनिक काम हो, हमेशा हमने क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी है। तो अब कुंठाग्रस्त लोग कोई निकाले या कुछ और सोचे या कुछ कहे, उसका कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं। हमको इतना आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल राजा भैया के राजनीतिक भविष्य का सूर्य उगता है या नहीं, इसका पता 23 मई को चलेगा।